हाल में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के हजारों डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ये सभी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए एमजीएम कॉलेज से हाथों में तख्तियां लिए रैली के रूप में सड़क पर निकले। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुई घटना के विरोध में सुरक्षा कानून बनाने को लेकर डॉक्टरों ने मोर्चा खोला हुआ है। डॉक्टर यूनियन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष जेबी पालीवाल का कहना है कि ये आर पार की लड़ाई है, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हड़ताल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, आक्रोश है। और ये जो आक्रोश है ये हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे खिलाफ ज्यादतियां हो रही है, मारपीट हो रही है, हमारे सामान को, हमारे अस्पताल को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है, हमें शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है, और जो हमें मानसिक पीड़ा है, ये मैं समझता हूँ उस पीड़ा का विस्फोट है। देखिए, अभी तो ये आंकड़ा ही है, आगे और लड़ाई है वाली बात है। यदि इस विद्रोह को नहीं सुना गया, इस विक्षोभ को नहीं सुना गया, तो ये आंधी, मैं समझता हूँ कि शासन को उखाड़ देगी, ये आंधी रुकेगी नहीं।